नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। मछली शहर थाना अंतर्गत जगही चौराहे स्थित देशी शराब की दुकान नंबर 2 पर बीते शाम लगभग 6 बजे थाने के 2 सिपाही योगेंद्र यादव व अनिल यादव पर देशी शराब की दुकान पर उत्पात मचाने और गद्देदारी को गाली देने व मारने पीटने का लगा आरोप। बताते चले कि मछली शहर जंगही चौराहा स्थित सरकारी देशी शराब के ठेकेदार राजन पाठक ने थाने पर तैनात 2 सिपाहियों पर उनके गद्देदारी को मारने पीटने व जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने का लगाया है गंभीर आरोप। देशी शराब की दुकान पर 2 सिपाही अचानक धमक पड़े और देशी शराब के गद्देदारी ओम प्रकाश से 5 पौवा मुफ्त मांग रहे थे। गद्देदारी ओम प्रकाश द्वारा बोला गया कि मैं 5 पौवा मुफ्त में नहीं दे सकता, मेरे दुकान मालिक से बात कर लो, यदि वह जितना भी कहेंगे मैं दे दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बता दें कि बीते शाम थाने के सिपाहियों को मुफ्त में शराब न मिलने पर शराब ठेकेदार राजन पाठक ने दोनों सिपाहियों पर यह आरोप लगाया कि ये दोनों सिपाहियों ने बहुत ही उत्पात मचा रखा है। आए दिन मुफ्त में शराब की मांग करना इनकी नित्य दिन की आदत बन गई है और देर शाम मुफ्त में शराब न मिलने पर तिलमिलाए सिपाहियों ने हमारे गद्दीदार ओम प्रकाश के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उसे मारा पीटा और जाते जाते मेरे गद्दीदारी से ये धमकी देते हुए बोले कि अपने ठेकेदार से बोल देना कि उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। वहीं उक्त घटना से संबंधित शराब ठेकेदार राजन पाठक से हुई फोन वार्ता में उन्होंने बताया कि मेरी देशी शराब की दुकान में सोनू चखना वाले को भी उक्त दोनों सिपाहियों ने गाली दिया कि क्यों दुकान में बैठा कर शराब पिलाई कर रहे हो, जबकि देशी शराब की दुकान के लाइसेंस फीस में शराब की दुकान में बैठकर शराब पिलाने का प्रावधान है। राजन पाठक ने बताया कि उक्त देशी शराब की दुकान 45 लाख रुपए की दुकान है, जिसका 12 महीने से मुझे 45 लाख रुपए आबकारी शुल्क देना पड़ता है, जबकि केवल 11 महीने से ही मुझे उक्त दुकान को पुनः रिन्यूअल कराना पड़ता है। वहीं मुझे उक्त दुकान पर पूरे 12 महीने का आबकारी शुल्क जमा करना पड़ता है। ऐसे में अगर सभी को मुफ्त की शराब बांटी जाएगी, अब देखना यह है कि क्या पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसे मनबढ़ उक्त दोनों सिपाहियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई सुनिश्चित होगी या केवल जांच के हवाले उक्त दुकान स्वामी को संतावना मिलेगी। जीबन 24 के लिए जौनपुर से योगेंद्र यादव की रिपोर्ट। तो कौन आया? योगेंद्र क्या है? पुलिस। अच्छा, और अनिल यादव कौन है? अनिल यादव पुलिस है। वो भी पुलिस है। आए तो क्या किया आपके साथ? पहले मतलब जो है वो भेजे आदमी थे, हाँ उनको मांग रहे थे, हाँ काम में पैसे कहाँ से मिल गया, हाँ पैसे में 300 नौकरी करता है, हाँ इसके बाद जो दौड़ते हुए हमारे पास आए, उसके बाद दौड़ते हुए हमारे पास आए, उसके बाद जो है मतलब जो है पीछे बैठे थे वो पकड़े। अच्छा, बार पकड़ के आपको मारे और गाली दिए? जांच सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किए? प्रयोग करके जिसे हम चमार भी लाते हैं, जांच सूचक शब्द चमार कहते, हाँ गाली दिए चले। अच्छा, और आपका आप भी साथ में थे? अरे तो सर, हाँ यहाँ खिड़की से हाथ डाल के इनको। अच्छा, इनको मारे और इनको जांच सूचक शब्दों का गाली दिए? गाली दे रहे थे। आपका क्या नाम है? कन्हैया। कन्हैया, आप यहाँ के सेल्समैन हैं? ठीक है। वो पुलिस का नाम क्या था? रविंदर। और दूसरे का? अनिल। अनिल किस थाने पे वो तैनात है? मछली सा कोतवाली। ठीक है।